राजस्थान में मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन लोगों में इस वक्त रिजल्ट का इंतजार है और लोगों में उत्सुकता बढ़ी हुई है कि आखिर 3 तारीख को किसके पक्ष में आएंगे नतीजे। राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक व्यक्ति ने हाथी पर वोट दिया तो इसके चलते बीजेपी वालों ने उसे पीट दिया। इस तरीके का आरोप मैं नहीं बल्कि जिसके साथ मारपिटाई हुई है उन्होंने लगाया। राजस्थान के धौलपुर में इन दिनों बाड़ी जो विधानसभा सीट है वो काफी ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है। खबर यहां मिल रही है कि बीएसपी के प्रत्याशी जसवंत गुजर और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच यहां कड़ी टक्कर है और इसी के चलते एक दलित युवक से कुछ लोगों ने पूछा कि तूने किसको वोट दिया। जब दलित युवक ने यह बताया कि उन्होंने बीएसपी हाथी को वोट दिया है तो उसे यह कहते हुए पीटा गया कि तूने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया गया। पूरा घटनाक्रम मैं बताता हूं आपको। बता दें कि पूरा घटनाक्रम धौलपुर के अंतर्गत आने वाली बाड़ी विधानसभा सीट का है जहां से रहने वाले सचिन ने यह बताया जो अब घायल है कि मऊआ खेड़ा में कुछ युवकों ने उससे पूछा कि तुमने किसको वोट दिया तो उन्होंने कहा कि हमने हाथी को वोट दिया। तो उन्होंने कहा आपने फूल को वोट क्यों नहीं दिया तो मैंने कहा हाथी हमारा है और तो हम तो हाथी को ही देंगे। इसके बाद वहां झगड़ा हो गया और हम स्टैंड पर आ गया। वहां पर पीछा कर रहे युवकों ने आकर मेरे साथ मारपीट की। इसके बाद वो हमारे गांव में घर पहुंचे और जमकर मारपीट की और यहां पर फायरिंग भी की। अस्पताल से मिल रही जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 10 अस्पतालों को इस मामले के अंदर अस्पताल लाया गया जिसमें शिवा 11 साल का लड़का है, छोटा संदीप 14 साल का, ललित 15, रंजीत 25, सुंदर 10, जगन 22, सचिन 23, राम जो है वो 40 साल के, प्रेम सिंह पुत्र मदई राम, छोटू पुत्र प्रताप शामिल है जिसमें जगन और सचिन को इलाज के लिए गंभीर रूप से घायल होने के चलते धौलपुर रेफर कर दिया है और जगन की ज्यादा हालत खराब हो गई है तो इसके चलते जयपुर रेफर किया गया है। इधर आपको बता दें कि इस मामले में कंचनपुर SHO योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पंजीपुर थाना पहुंचे, मामले की जानकारी जुटाई जा रही है, घायलों को अस्पताल लाया जा रहा है, अभी जो है प्राथमिकता दर्ज हुई नहीं है, पूरा मामला सामने आने के बाद ही इस घटनाक्रम के ऊपर आगे जानकारी दे पाएंगे। बताने की कोशिश करें तो ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है कि केवल दलित जो युवक थे उन्होंने बीएसपी को वोट दे दिया था, बस इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी जैसा घायल सचिन ने मीडिया चैनलों को है वो बताया। मिलेंगे इस वीडियो और अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर इस मसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है।